नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। फ्यूजलेस जोड़ संकेत यानी कि खतरे की बड़ी घंटी, और अगर इस खतरनाक संकेत को नजरअंदाज किया जाए तो इसका परिणाम काफी भयावह हो सकता है। सीधे तौर पर कहे तो विमान के अंदर आई ऑक्सीजन की कमी को फ्यूजलेस जोड़ संकेत कहा जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ शनिवार को पटना से गुवाहाटी जा रही विमान में, जहां पर ऑक्सीजन की कमी आ गई थी। हालांकि रनवे पर ही विमान को रोक दिया गया और इस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया, जिस वजह से 60 यात्रियों की जान भी बची। इसमें बिहार सरकार के कई मंत्री और नेता भी शामिल थे। दरअसल ऑक्सीजन की यही कमी पटना से गुवाहाटी जा रहे विमान में शनिवार को उड़ान भरने से पहले आने लगी थी। गनीमत रही कि विमान ने रफ्तार नहीं पकड़ी थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। विमान के दरवाजे से ऑक्सीजन की लीकेज थी। पायलट ने चंद सेकंड में समझदारी दिखाते हुए विमान को रनवे पर रफ्तार भरने से पहले ही लौटा लिया, और फिर एक बड़ा खतरा टल गया। अगर विमान ने टेक ऑफ कर लिया होता तो पटना के यात्रियों पर सांसों का बड़ा संकट तय था। ज्यादा देर तक यह कमी रहे तो ऑक्सीजन के बिना किसी की भी सांस रुक सकती है। रनवे से उड़ान भरते समय विमान की रफ्तार काफी ज्यादा होती है। पटना एयरपोर्ट के रनवे की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रनवे खत्म होते ही चंद कदम पर एयरपोर्ट की चार दीवारी है। ऐसे में इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद विमान की चार दीवारी से टकराना तय था। दूसरी, अगर पायलट ने टेक ऑफ का विकल्प अपनाया होता तो हवा में विमान के भीतर ऑक्सीजन की घोर कमी हो सकती थी। उड़ान के बाद विमान की लैंडिंग में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगता है, और इतनी देर सांसों की किल्लत के बीच का हवाई सफर सोचकर यात्री सिहर उठते हैं। विमान के इंजन गर्म और हाई प्रेशराइज्ड हवा, जिसे ब्लीड एयर भी कहा जाता है, उसे कई स्टेप के बाद ठंडा कर केबिन में मौजूद हवा में मिक्स किया जाता है। इसे आउटफ्लो वॉल्व के माध्यम से केबिन में छोड़ा जाता है। प्रेशर सेंसर केबिन में हवा को लेकर को मेंटेन करता है। इस प्रक्रिया के बाद ही 30,000 फीट की ऊंचाई पर यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। यात्रियों को विमान के भीतर जमीन जैसी ही हवा का दबाव महसूस होता है। चिकित्सक बताते हैं कि केबिन प्रेशर जरूरत के अनुसार ना होने से यात्रियों में हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी की समस्या हो सकती है, जो कि घातक हो सकती है। केबिन प्रेशर कम होने के कारण ब्लड के फ्लो में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ सकती है, जो कि जोड़ों में दर्द, लकवा, यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकती है। इससे पहले 17 नवंबर 2021 को स्पाइस जेट के पटना अहमदाबाद फ्लाइट में ये कमी आई थी। विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर था। ऐसे में विमान के पायलट ने ATC से संपर्क स्थापित कर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई थी। हालांकि विमान को फिलहाल ग्राउंडेड कर दिया गया है। सभी यात्रियों को विमान से उतारकर दोबारा एयरपोर्ट परिसर में चेक इन कराया गया था। यात्रियों ने बताया विमानन कंपनी के प्रतिनिधियों ने हैदराबाद से इंजीनियरों को बुलाकर विमान को पूर्ण निर्धारित कर रात 12 बजे गुवाहाटी भेजने की बात कही। घटना के बाद से शाम 7 बजे तक विमान के उड़ान का समय 3 बार निर्धारित किया जा चुका था। पटना एयरपोर्ट पर हफ्ते भर के भीतर विमान में गड़बड़ी की यह दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले 19 जून को पटना से दिल्ली जा रहे विमान में उड़ान के दौरान पक्षी से टकराकर इंजन में आग लग गई थी। इसके बाद विमान की आपात लैंडिंग करानी पड़ी थी। स्पाइस जेट के विमान के साथ पटना एयरपोर्ट पर संरक्षा से जुड़े हफ्ते भर में दूसरी घटना को लेकर यात्रियों में भय की स्थिति रही। शनिवार की घटना के बाद स्पाइस जेट के विमान में रूटीन मेंटेनेंस पर भी यात्रियों ने सवाल उठाए हैं। पटना से गुवाहाटी जा रहे इस विमान में बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी, जदयू नेता अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह, प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर, सिकंदरा के पूर्व विधायक बंटी चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि भी सवार थे। मंत्री अशोक कुमार चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि कामाख्या मंदिर जाने वाले थे। वहीं स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने कहा कि टेक ऑफ रोल के दौरान फ्यूजलेज जोर चेतावनी लाइट जलने पर टेक ऑफ को टाल दिया गया। पायलट की सूझबूझ से विमान को टेक ऑफ से पहले ही रोक दिया गया। ये घटना पटना एयरपोर्ट पर बीते शनिवार को हुई, जहां पर पटना से गुवाहाटी जा रही स्पाइस जेट के विमान में ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, जिसे फ्यूजलेस डोर संकेत कहा जाता है, जिसकी लाइट जलने के बाद फौरन पायलट की सूझबूझ से विमान को रोक दिया गया। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अगर ये विमान टेक ऑफ कर जाता, 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता, तो कई लोगों
को कई तरह की परेशानी हो सकती थी, जानी जा सकती थी, लेकिन 7 यात्रियों की जान बचा ली गई और इसमें बिहार सरकार के कई मंत्री और नेता भी शामिल थे। इन जनप्रतिनिधियों की जान भी बच गई। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।